तो चलो, आप सबका स्वागत है। तो आज हम खेल रहे हैं BTPN, फ्लाइट ड्यूटी ट्रेन की एक्टिविटी। तो आज हम चलाने वाले हैं फ्लाइट ट्रेन, जो कि यहाँ पे दौलताबाद स्टेशन पे खड़ी है। तो यहाँ पे हमारा आई थिंक ओवरटेक होगा, उसके बाद हमें यहाँ से निकाला जाएगा दौलताबाद स्टेशन से। आप देख सकते हो कि हमारी करंट लोकेशन दौलताबाद स्टेशन है, जो औरंगाबाद के आजू बाजू कहीं है दौलताबाद। और अभी हमें यहाँ पे इसलिए खड़ा कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हमारा ओवरटेक होने वाला है, और ये ट्रेन को हमें दौलताबाद से लेके अनकाई करके कोई स्टेशन है वहाँ पे ले जाना है, अनकाई स्टेशन पे। तो देखते हैं अनकाई स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। वैसे तो कोई ट्रेन यहाँ पे आ रही है हमें ओवरटेक करने दौलताबाद स्टेशन पे। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें यहाँ दौलताबाद स्टेशन पे ओवरटेक करती है। एक्ट चालू होते के साथ ही हमें यहाँ पे ओवरटेक करवाया जा रहा है दौलताबाद स्टेशन पे। तो कोई EMD लोकोमोटिव के साथ कोई ट्रेन आ रही है जो हमें ओवरटेक करेगी। तो ये कौन सी ट्रेन है देखते हैं बाद में, पहले देख लेते हैं कि ये कौन सी ट्रेन है। ये है करीमनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसने हमें यहाँ पे दौलताबाद स्टेशन पे ओवरटेक किया। तो चलो, अब हम भी ब्रेक रिलीज़ करते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। हमारा ओवरटेक तो हो गया और वो ट्रेन भी बहुत ही अच्छी खासी स्पीड में गई। करीमनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस LHB 5 ट्रेन थी। तो चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपना ब्रेक्स हटा के। थ्रॉटल को मैंने फॉरवर्ड किया और हम अभी डाउन ग्रेडियंट पे चल खड़े हैं। तो हमारी ट्रेन ऐसे ही थ्रॉटल दिए बगैर ही हमारी ट्रेन आगे बढ़ गई। तो पहले तो हमने थोड़ा सा ही एक्सीलरेशन लिया है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा ओवरटेक हुआ है। तो आई थिंक अभी हमें आगे के सिग्नल नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा ट्रेन को आगे बढ़ा लेते हैं। सिग्नल के पास ले जाके खड़ा रखते हैं अपनी ट्रेन को। ये हमारा लोकोमोटिव, बाद में इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब पहले चलते हैं हम पीछे अपनी जगह पे। आज हमारी जर्नी पीछे गार्ड के कैबूज में होगी क्योंकि आज हम गार्ड बने हैं, आज की हमारी ड्यूटी गार्ड की है। तो हमारी जर्नी कैबूज में होगी और हम आगे जाते रहेंगे अपने लोकोमोटिव के पास। ऐसा नहीं कि हम यहीं जर्नी करेंगे। तो थोड़ा आगे ले जाके अपनी ट्रेन को खड़ा कर देते हैं। ऑपोजिट लाइन का सिग्नल रेड है, तो अभी आई थिंक ऑपोजिट लाइन पे कोई ट्रेन नहीं आएगी। सिंगल लाइन सेक्शन है, डीजल सिंगल लाइन सेक्शन है, तो आप को क्रॉसिंग के लिए कई कई जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, लूप लाइन पे जाना पड़ेगा। फ्राइट ट्रेन है तो लूप लाइन पे भी भेजा जा सकता है। तो चलो, अब आई थिंक हमें तो सिग्नल नहीं मिले, तो ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। तो थोड़ा आगे जाके ही लगाते हैं सिग्नल के पास, ताकि जब भी हमें सिग्नल मिले तो हम सीधा चल दें आगे की ओर। तो चलो, यहाँ पे अपने ट्रेन को खड़ी कर देते हैं। तो चलो, यहाँ पे अच्छी टाइम पे हमें ब्रेक्स लगा दिए। तो आज जो हमें लोकोमोटिव मिला है वो है कल्याण सेठ का WDG 3 है, जिसका रोड नंबर है 19008। तो ये कल्याण सेठ का WDG 3 है, आज हमें चलाने का मौका मिला है ये ट्रेन। ये लोकोमोटिव को आप देख ही सकते हो कि कितना बढ़िया लोकोमोटिव है और क्या डिज़ाइनिंग की गई है। और ऊपर से जो फैन का आप मुझे देखोगे कि
चलो मैं दिखाता हूँ, जब ट्रेन चलती है तो ये जो रेडिएटर का पंखा होता है वो भी घूमता है। आप देख सकते हो कि जैसे पंखा घूमना चालू हो गया है, और हमारे लोकोमोटिव ने चगिंग साउंड भी कर दी, और ये हम बातों बातों में हम दिए बिना ही हमने डिपार्चर कर दिया, तो चलो बाद में हॉर्न बजा देते हैं। और ये कैसे आप देख सकते हो कि कैसे जो हमारा लोकोमोटिव का फैन है वो घूम रहा है, जिसे रेडिएटर फैन बोला जाता है। तो चलो अब एक्सीलेट करते हैं अपनी ट्रेन को। बहुत ही लंबी और हैवी हॉल ट्रेन है, तो काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी हमारे लोकोमोटिव को। तो लाइक कर देना जल्दी से जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया हो, और जो भी नए हो वो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा, और मैं अब से लाइव भी आता हूँ, तो जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको पता चल जाए। तो प्लीज़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तो हमारी यहाँ दौलताबाद से जर्नी शुरू हो गई है, और हमारी जो जर्नी यानी कि हमारी ड्यूटी है वो है एंड होगी अनकाई स्टेशन, जो मनमार के आजू बाजू कहीं है। तो चलो ये फ्राइट ट्रेन को ले चलते हैं आगे। वैसे तो हम लूप लाइन पे है तो उतनी ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करेंगे, जब हम मेन लाइन पे आ जाएंगे तब हम वॉकी टॉकी से लोको पायलट को इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारी पूरी ट्रेन मेन लाइन पे आ चुकी है, आप ट्रेन को एक्सेलेरेट कर सकते हो। तो जैसे ही मेन लाइन पे हमारी ट्रेन आती है वैसे हम लोको पायलट को इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी तो हमारी ट्रेन 30 के अंदर ही रहेगी जब तक हम मेन लाइन पे नहीं आते, तो थोड़ी देर में आई थिंक हम मेन लाइन पे आ जाएंगे। तो चलो आ चुके हैं हम अपनी मेन लाइन पे। तो लोको पायलट जी, आप अब ट्रेन को अपनी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड तक ले जा सकते हो, क्योंकि हम मेन लाइन पे आ गए हैं, तो आप एक्सीलेट कर सकते हो अपनी ट्रेन को। तो जैसे ही हमने बोला वैसे ही लोको पायलट ने नॉच लगा दी, और हमारी ट्रेन ने फटाफट से स्पीड पकड़ ली। तो 50% थ्रॉटल जो ओपन कर दिया है हमारे लोको पायलट ने, आगे जाके देखते हैं कि कैसा हमारा लोकोमोटिव चल रहा है। धुआं तो निकाल ही रहा है, और आपको छगिंग साउंड भी सुनाई दे रही होगी कि लोको पायलट ने जैसे ही 50% थ्रॉटल ओपन किया वैसे ही हमारे लोको पायलट की यानी कि लोको की छगिंग साउंड बहुत ही बढ़िया शुरू हो गई है। अभी तो हमें चलो अच्छी खासी दूर तक ग्रीन सिग्नल देख रहे हैं, तो भगाते हैं अपनी ट्रेन को। 50% प्लस थ्रॉटल ओपन करते हैं ताकि हमारी ट्रेन अच्छी खासी स्पीड पकड़े, और हम चलते हैं पीछे की ओर हमारे कैबूस में। आई थिंक ये लोकोमोटिव हमें 110 तक तो नहीं ले जा सकेगा, अकेला सिंगल एल्को लोकोमोटिव है, और काफ़ी लंबी और लोडेड हमारी फ्राइट ट्रेन है, तो आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमें स्पीड पकड़ने में। तो 90 किलोमीटर अभी भी लेफ्ट है अनकाई स्टेशन, तो 90 किलोमीटर करने के लिए हमें तो कोई वक्त नहीं दिया गया है, और हम देखते हैं कब तक हम अपनी जर्नी को ख़त्म कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हम 100% थ्रॉटल ओपन कर देंगे, और देखेंगे कि कितनी स्पीड हमारी बढ़ती है, और आगे जाके एल्को लोकोमोटिव की छगिंग साउंड सुनते हैं। आप फोन सुनो कि कैसा बज रहा है,
WDG3A का हॉर्न, तो थोड़ी देर बाद हम 100% थ्रॉटल ओपन कर देंगे और देखेंगे कितनी स्पीड हमारा ये लोकोमोटिव कैच करता है। तो अभी हमारे लोकोमोटिव ने तो धुआं निकालना भी बंद कर दिया है, तो अच्छी बात है एनवायरनमेंट के लिए। जब हमने ट्रेन को स्टार्ट किया था यानी कि जीरो से स्पीड पकड़ना चालू किया था तो लोकोमोटिव काफ़ी ज़्यादा धुआं निकाल रहा था। अब जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ी वैसे वैसे धुआं भी कम होता गया, अब तो बंद ही हो गया है। तो जितना धुआं कम निकलेगा उतना हमारा गेम प्ले स्मूथ चलेगा, और जितना ज़्यादा धुआं होगा उतना FPS ड्रॉप होंगे। तो हम यही चाहेंगे कि कम से कम हमारा लोकोमोटिव जो है वो स्मोक निकाले, तो क्या है कि हमारी गेम एकदम स्मूथ चलती रहे। चलो 100% थ्रॉटल करते हैं और आप सुन सकते हो कि कैसा हमारा लोकोमोटिव की छगिंग साउंड है। मैं एक बार आपको वॉल्यूम बढ़ा के सुना देता हूँ। तो आप सुन ही सकते हो कि हमारा लोकोमोटिव कैसा छगिंग साउंड कर रहा है और साथ साथ में हॉर्न भी बजा रहा है। तो चलो 80 की स्पीड तो हमने हासिल कर ली है। सिंगल लोकोमोटिव है तो काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा और फुल्ली लोडेड राइट ट्रेन है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा लोकोमोटिव खींच रहा है अपनी ट्रेन को। 100 प्लस हमारी प्रोजेक्टेड स्पीड हो चुकी है और 86.7 किलोमीटर अब अनकाई स्टेशन लेफ्ट रह गया है। पर ये सिंगल लाइन सेक्शन है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब तक हम अपने ट्रेन को अनकाई स्टेशन पे ले जा सकते हैं। और ये एक्चुअली फ्राइट ड्यूटी भी है तो फ्राइट ड्यूटी में तो कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, तो देखते हैं हमें कहाँ कहाँ तक पर खड़ा किया जाता है क्रॉसिंग के लिए और ओवरटेक के लिए। वैसे तो फ्राइट ट्रेन है तो ओवरटेक होनी ही है और सिंगल लाइन सेक्शन है तो हमें लूप लाइन पे भी कई जगह जाना पड़ेगा। तो 97 की स्पीड हमने अचीव कर ली है हमारे लोकोमोटिव ने, हमारी ट्रेन ने। तो 1 किलोमीटर के बाद अभी तो सिग्नल है वो भी ग्रीन है, 4 किलोमीटर तक तो सिग्नल ग्रीन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलो भगाते ही है अपनी ट्रेन को, 100 के करीब अपनी स्पीड रखते हैं और आगे आप देख ही सकते हो कि कैसे हमारा लोकोमोटिव हॉर्न बजा के कितना तेज़ी से, आज तो कुछ भी करो पर आज हम लोकोमोटिव दम लगा के ही छोड़ेगा, अपनी ट्रेन को फुल स्पीड में खींच के ही रहेगा। और 0.5% हमारी ट्रेन क्लाइम कर रही थी, अब क्लाइम ख़त्म हो गया तो अब हमारा लोकोमोटिव फिर से एक्सीलेट करेगा। जैसा कि आप ट्रैक मॉनिटर में देख रहे हो कि हमारी प्रोजेक्टेड स्पीड अब बढ़ना चालू हो गई है, तो ये अब बढ़ती ही रहेगी क्योंकि जो ग्रेडियंट था वो ख़त्म हो गया है। तो 108 की अब तो डाउन ग्रेडियंट जा रहे, तो 110 से ऊपर हमारी प्रोजेक्टेड स्पीड चली गई, तो जाने ही देते हैं अपनी ट्रेन को इतनी ही स्पीड में, 110 के ऊपर नहीं जाने देंगे अपनी ट्रेन को और आई थिंक जाएगी भी नहीं क्योंकि अब ग्रेडियंट ख़त्म हो चुका है। तो 100 के करीब अगर हमारी स्पीड मेंटेन होती है तो ये हमारे लिए बढ़िया बात होगी। और सामने से EMD लोकोमोटिव यहाँ खड़ा है जिसे हम ओवरटेक कर रहे हैं, आई थिंक IDL यहाँ पे खड़ा रखा है
ये EMD लोकोमोटिव को, तो पता नहीं क्यों इसे यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। ये EMD लोकोमोटिव को आई थिंक रेस्ट कर रहा होगा ये EMD लोकोमोटिव। तो ये भाई साहब हमें जल्दी दिखाते हुए, तो 36 FPS तो अभी मिल रहे हैं, तो अच्छे खासे FPS तो हमें अभी तो कहा जा सकता है कि 30 के ऊपर FPS चल रहे हैं, तो अच्छे खासे FPS है। तो चलो अब तो FPS भी बढ़ना चालू हो गए हैं, और ये हमारी प्रोजेक्टेड स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं 75% टोटल को बंद कर रहा हूँ, 75% टोटल कर दिया मैंने, तो चलो 50% कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी स्पीड बढ़ रही है। क्योंकि 110 के ऊपर तो हम नहीं जा सकते ये ट्रेन को लेके। वैसे तो यूजुअली 100 के आजू बाजू ही रखनी चाहिए फ्लाइट ट्रेन की स्पीड, पर हम 110 के आजू बाजू रखेंगे, 100 टू 110 के बीच में ही अपनी ट्रेन की स्पीड रखेंगे, और ख़ास ख्याल रखेंगे कि ओवर स्पीड ना हो, 110 से ऊपर हमारी ट्रेन ना जाए। तो और एक नॉच हमने गिरा दी, क्योंकि ग्रेडियंट बढ़ गया, डाउन ग्रेडियंट। अभी भी हमारी ट्रेन जा रही है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि हमारी प्रोजेक्टेड स्पीड कितनी बढ़ चुकी है। तो 110 के ऊपर चल तक टच कर दी हमारी स्पीड। तो देखते हैं, मैंने पूरा टोटल तो बंद कर दिया है, अब तो भी हमारी स्पीड बढ़ रही है, तो ब्रेक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा ट्रेन को क्या है कि 0% टोटल कर दिया, तो आप देख सुन सकते हो कि लोगों की आवाज़ भी कितनी स्मूथ हो गई। जैसे ही हम नॉच लगाएंगे, वैसे हमारे जो लोकोमोटिव है वो आवाज़ करना चालू करेगा। आप देख सकते हो कि कैसे अब चगिंग साउंड करना चालू कर दिया है हमारे लोकोमोटिव ने। तो अब हम स्पीड को बढ़ाएंगे अपनी फिर से, और 88% मैंने थ्रॉटल ओपन कर दिया है। तो भी अब हम हमारी ट्रेन 0.5% क्लाइम कर रही है, तो अब हमें थ्रॉटल पावर की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा। तो आगे आई थिंक सिग्नल नहीं है, तो आई थिंक हमें क्रॉसिंग के लिए कहीं खड़ा कर दिया जाएगा। और 0.8% अब तो क्लाइम हो गया है, तो चलो पीछे चलते हैं और अपना जो कैबूज है उसमें थोड़ी जर्नी करते हैं। यहाँ से बाहर निकल के नहीं देख सकते, तो चलो यहीं से ही देखते हैं सब अपनी सीनरी। आजू बाजू बहुत ही बढ़िया लगाई हुई, और ये रूट है खांडेस रूट। अभी भी आपने डाउनलोड नहीं किया है, या डाउनलोड तो नहीं कर सकते, अभी भी आपने बाय नहीं किया हो, और अगर आपको पसंद आता है ये रूट तो रमेश महाजन जी से आप कॉन्टेक्ट करके ख़रीद सकते हैं। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके लिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे रमेश महाजन जी को, तो पेवियर रूट है, तो आप उस हिसाब से कॉन्टेक्ट करना रमेश महाजन जी को। थोड़ा ऊपर पीछे चलो ऐसे देखते हैं, आप देख सकते हो कि आगे अब सिग्नल येलो हो चुका है, और हमें आगे कोई स्टेशन पे क्रॉसिंग के लिए रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन है जहाँ पर हमें क्रॉसिंग के लिए रुकना पड़ेगा। टोटल तो मैंने 0% कर दिया, अब धीरे धीरे ब्रेक्स लगाएंगे तो अपने ट्रेन की जो स्पीड है वो कंट्रोल में आ जाए, और अपना जो ट्रेन है वो स्टेशन पे जाके रुके, क्योंकि आगे रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल के पहले रुकनी पड़ेगी हमें ट्रेन। 3 किलोमीटर के बाद रेड सिग्नल है, तो ब्रेक्स लगाने ही पड़ेंगे हम, क्योंकि अभी भी हम डाउन ग्रेडियंट जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ रही है, जबकि हमने टोटल 0% कर लिया है। तो
ढलान पे से नीचे जा रही है हमारी ट्रेन। तो आज का हमारा जो सब्सक्राइबर गोल है वो 900 का है, तो सिर्फ 4 सब्सक्राइबर ही बाकी है, तो आप जल्दी से पूरा कर देना वो 4 सब्सक्राइबर जो बाकी है, तो हमारे 900 कंप्लीट हो जाए। तो ब्रेक्स लगाते हैं, आगे सिग्नल तो है नहीं हमारे पास, तो सिंगल येलो में बहुत ही ज़्यादा स्पीड कही जा सकती है कि हमारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है सिंगल येलो के हिसाब से, और आगे रेड सिग्नल आना ही आना है हमें। तो उतना अच्छा मुझे ये लोकोमोटिव का ब्रेकिंग पावर नहीं लग रहा है, तो बहुत ही पहले से हमें ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे ये लोकोमोटिव के हिसाब से। तो लोकोमोटिव है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही हमें ब्रेकिंग के मामले में। तो देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन है जहाँ पे हमें क्रॉसिंग के लिए खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ी आगे जाने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टेशन है जहाँ पे हमें क्रॉसिंग के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो अभी तो हम मेन लाइन पे ही हैं, अच्छा हुआ हमें मेन लाइन पे रखा गया, क्योंकि आगे मेन लाइन से डिपार्चर लेना बहुत ही अच्छा रहता है, यानी कि इजी रहता है। अगर हम लूप लाइन से डिपार्चर लेते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि लूप लाइन से मेन लाइन पे आना है। और आई थिंक ये स्टेशन के आउटर पे ही खड़ा कर दिया गया है, लासो स्टेशन है वहाँ पे हमें लूप लाइन पे ही खड़ा कर दिया गया है, स्टेशन के आउटर पे ही खड़ा कर दिया गया है, लासो स्टेशन है। चलो ब्रेक्स लगाते हैं, रेडियन पे खड़े हैं तो थोड़ी सी हमें दिक्कत भी होगी ट्रेन को ड्राइव करने में। तो लासो स्टेशन पे क्यों खड़ा कर दिया गया है हमें, तो चलो अब लासो स्टेशन पे लूप लाइन पे जाना है हमें, तो चलते अपनी ट्रेन की तरफ, फोन बजाते हैं और ब्रेक रिलीज करने के साथ ही हम अपनी टोटल पावर को ओपन करते हैं। तो हमारी ट्रेन रेडियन पर है, तो क्या है कि पीछे की और थोड़ी जा रही थी, तो हमने तकरीबन 38% टोटल को तो ओपन कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी हमारे लोकोमोटिव को यहाँ से ट्रेन को उठाने में। 71.2 किलोमीटर रनकाई स्टेशन यहाँ से लेफ्ट है और आगे लासू स्टेशन पे हमें लूप लाइन पे जाना है। तो 63% मैंने टोटल ओपन कर दिया है, आई होप अब ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ ले, क्योंकि प्रोजेक्टेड स्पीड तो 17 के करीब ही दिखा रहा है, चलो अब 18 हो गई। लासू स्टेशन पे हमें लूप लाइन पे जाना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। चलो अब यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो लूप लाइन पे आएगी, आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा ट्रैक चेंज होगा और हमारी ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पे आ रही है। आप देख सकते हो कि कैसे हमारी ट्रेन हमें लूप लाइन पे एंटर हो रही है। तो 88% मैंने टोटल ओपन कर दिया, क्योंकि ग्रेडियंट भी बढ़ गया इसलिए मुझे टोटल भी ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा।
मुझे अटल पार बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी ट्रेन डाउन ग्रेडियंट जाएगी। तो कभी सिंगल लाइन पे यही एक तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारा हमें ग्रेडियंट देखने को मिलता है। तो चलो मैंने टोटल एकदम से बंद कर दिया है। आई होप हमारी पूरी ट्रेन अब लुढ़क के स्टेशन पर आ जाए लूप लाइन पे, और देखें कि कौन सी ट्रेन अब हमें ओवरटेक करती है या क्रॉसिंग देती है यहाँ स्टेशन पर। मैं स्टेशन का नाम भूल गया, फिर से मैं देख कर बताता हूँ कि कौन सा स्टेशन है। लासूर स्टेशन है जहाँ पे हमें लूप लाइन पे डाल रहे हैं। तो चलो अब अपने कैबूस में चलते हैं, और जैसे ही हमारी ट्रेन लूप लाइन पे एंटर होती है तो हम लोको पायलट को बता देते हैं कि भाई हमारी पूरी ट्रेन लूप लाइन पे आ गई है। तो यहाँ पे ओवरटेक होगी या क्रॉसिंग होगा लासू स्टेशन पे, ये देखने वाली बात होगी। तो चलो ये हमारी ट्रेन आ गई है पूरी लूप लाइन पे, मेन लाइन अब खड़ी हो गई है, और सामने से सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है। आप देख सकते हो कि पीछे सिग्नल ग्रीन हो चुका है। तो आई थिंक सामने से कोई ट्रेन आ रही है, आई थिंक नहीं, सामने से ट्रेन आ ही रही है। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन सामने से हमें क्रॉसिंग देगी यहाँ लासूर स्टेशन पर। थोड़ा आगे जाके ही खड़े होंगे, पर पहले ब्रेक्स तो अप्लाई कर देंगे। तो सामने से भी कोई फ्राइट ट्रेन आ रही है, BTPN नांदेड़ यूनिट, तो नांदेड़ की तरफ जा रही है कोई BTPN ट्रेन जो EMD लोकोमोटिव कॉल कर रहा है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की एक्टिविटी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।